महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस के बीच सियासी सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। एक तरफ जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना के पास बीजेपी के बिना भी सरकार बनाने के आंकड़े हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की सियासत पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे दो घोड़ों पर सवारी करना चाहते हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री पद चाहते हैं तो दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से घबरा गए हैं। अगर आपको दूल्हा बनना है तो पहले आप दिल्ली में अपने मिनिस्टर से इस्तीफा दिलाओ। चीफ मिनिस्टर आपका बनाना है तो दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते आप। दूल्हा एक घोड़े पे बैठ के बारात लेके निकलता। अभी नु सोच रहे क्या करूं, बैठूं नहीं बैठूं। बैठना है बैठ जाओ, कूद के बैठ जाओ। अभी ये सोच रहे, अरे भाई फैसला लो। मगर हम शिवसेना की तारीफ नहीं करते, ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ना बीजेपी की करेंगे। जिस किसी को गवर्नमेंट बनाना है बनाओ आप,